और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। सो गाइस, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पता गाइस इस पार्ट की स्कोरिंग है जो राइटिंग सेक्शन में भी जाती है और लिसनिंग सेक्शन में भी। सो गाइस, कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने एग्जाम की राइटिंग के लिए और गाइस लिसनिंग सेक्शन के लिए लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्टली गाइस, ये पार्ट में स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही बात बोलूंगा, आपको स्पेलिंग्स नहीं आती तो स्पेलिंग्स पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम ग्रुप में, आप इजिली गाइस वहां से जितनी भी स्पेलिंग्स मैंने रिपीट मैंने इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स आपको बताई आप वहां से कर सकते हो। और गाइस, डेली आपको 15-20 यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आप इन्हीं मंथली प्रेडिक्शन फाइल से, आप यहाँ से भी मोस्टली स्पेलिंग्स गाइस रिमेंबर कर सकते हो, माइंड में अच्छे वे से सेट कर सकते हो गाइस सभी के सभी स्पेलिंग्स। सो गाइस, कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेलिंग्स अपने राइटिंग सेक्शन के लिए और गाइस लिसनिंग सेक्शन के लिए। सो गाइस, सिंपली स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक और ध्यान से गाइस, जैसे स्पीकर चलेगा, लीड इन टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इलेप्स बिटवीन अ बिजनेस प्लेसिंग एन ऑर्डर विद अ सप्लायर फॉर मोर स्टॉक और रो। जैसे गाइस स्पीकर चल रहा है, आपको जैसे पता है कि यहाँ स्पीकर यहाँ तक पहुंचा, तो सिंपली आपका माउस उसके साथ साथ चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्पीकर कहाँ तक पहुंचा है और स्पीकर कब यहाँ पे ब्लैंक्स में पुट करके जाएगा वर्ड्स, कब यहाँ पे स्पीक करके जाएगा वर्ड्स। तो मोस्टली गाइस आपको साथ के साथ चलना होता है स्पीकर के और बिल्कुल गाइस आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, आपके कान खुले होने चाहिए लिसनिंग सेक्शन में, तब जाके गाइस आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो सभी के सभी वर्ड स्पीक कर सकते हो अच्छे से। और गाइस यहाँ की साउंड आपको ध्यान से सुननी पड़ती है। चलो गाइस ट्राई करते हैं, मोस्टली प्रैक्टिस बेस्ड है ये पार्ट्स, सभी के सभी गाइस प्रैक्टिस बेस्ड है, वैसे तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। चलो गाइस स्टार्टिंग से पिक करने की ट्राई करते हैं कि कितने वर्ड्स हम पिक कर लेते हैं। गुड, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इलैप्सेस बिटवीन अ बिजनेस प्लेसिंग एन ऑर्डर मटेरियल्स एंड द डिलीवरी। Lead in time is the amount of time that elapses between a business placing an order with a supplier for more stock or raw materials and the delivery of the goods to the business. Businesses want the lead time to be as short as possible, so that they can meet their customer orders and minimize the time between paying for the stock and receiving the feedback from the customer. However, this may not happen due to a number of factors, such as delays in the supplier receiving the order, or the breakdown of the supplier's lorries delivering the stock to the business. So guys, मैंने simply क्या बोला था, spellings आपकी strong होनी चाहिए और mostly practice based है part, जितनी practice करोगे उतना अच्छा आपके exam के लिए और थोड़ी सी sound को समझा करोगे कैसे speaker यहाँ पे speak करके गए। So guys, first में मेरे को सुना अच्छे से materials बोल के गए first में materials। आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए गाइस अच्छे से सभी के सभी, MAT मटेरियल मटेरियल्स गाइस ऐसे स्पीकर के गए मटेरियल्स। ओके गाइस, और गाइस सेकंड में स्पीकर के गए मिनिमाइज। सो गाइस आपको स्पेलिंग सारी की सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। और गाइस थर्ड में स्पीकर के गया था फीडबैक। थर्ड में गाइस फीडबैक स्पीक करके गया था। गाइस फोर्थ में बोल के गया था फैक्टर्स। और गाइस लास्ट में बोल के गया था डिलीवरिंग, डिलीवर या डिलीवरिंग। सो गाइस ध्यान से देखते हैं आप कितने हमारे करेक्ट आते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। गाइस ये मैंने मोस्टली फर्स्ट टाइम ही किया और फर्स्ट टाइम में अच्छे से सुने हैं, अच्छे से समझ के किया कि हाँ ध्यान से बिल्कुल कान खुले होने चाहिए, फ्रेश बिल्कुल आपका माइंड होना चाहिए, तब जाके आप इजिली गाइस करेक्ट कर सकते हो सभी के सभी फिल इन द ब्लैंक्स। चलो गाइस सबमिट करते हैं। सो गाइस 5 out of 5 इजिली बिल्कुल अच्छे से सुने, ध्यान से समझे कि हाँ क्या बोल के गए स्पीकर, मटेरियल्स मिनिमाइज फीडबैक फैक्टर्स डिलीवरिंग। सो गाइस इजिली आप भी सभी के सभी फिल इन द ब्लैंक्स क्रैक कर सकते हो। बट गाइस मोस्टली मैं फिर से बोलूंगा स्पेलिंग्स, जितनी ज्यादा स्पेलिंग्स कर सकते हो उतनी स्पेलिंग्स करो और यहाँ से प्रैक्टिस करो गाइस डेली 20 फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि गाइस रियल एग्जाम में फुली चांस रहते हैं यहाँ से पेट होने के। फिल इन द ब्लैंक्स गाइस एज इट इज यहीं से कॉपी डिटो आ सकते हैं रियल एग्जाम में। सो गाइस आप यहाँ से करना इजिली। सो गाइस बिल्कुल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं तो फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करो और थोड़ी सी स्पेलिंग्स करते रहो साथ के साथ और ध्यान से समझा करो साथ के साथ चला करो स्पीकर के, जितना स्पीकर के साथ साथ चलोगे कि हाँ पता चलेगा आपको कि स्पीकर कहाँ तक पहुंचे और क्या स्पीक कर रहा है, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है बिजनेस प्लेसिंग ऑर्डर सप्लाई स्टॉक रो, इसकी थोड़ी वॉइस को इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझो गाइस। अगर आप प्रोनाउंसिएशन को इसकी समझ गए इजिली तब आप भी इजिली कनेक्ट कर सकते हो सभी के सभी वर्ड्स।
सो गाइस मैं फिर से बोलूंगा, प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, आप भी इजिली गाइस फिल इन द ब्लैंक्स की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है आप इजिली कर सकते हो फॉलो। सो गाइस ये तो अपनी फिल इन द ब्लैंक्स की इजिली टिप्स एंड ट्रिक्स आप इजिली कर सकते हो गाइस। चलो